गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अनिल के शर्मा और मैं आप लोगों का मेरे इस चैनल ओरेकल टेक इंडिया पे स्वागत करता हूँ। और लास्ट लेक्चर जो मैंने ख़त्म किया था वो था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस का, जिसके मैंने 4 वीडियोस प्रोवाइड किए थे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर। तो डेटाबेस मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट में डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में हम सीखते हैं कि डेटाबेस की पूरी डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम जानेंगे कि स्कीमा क्या है, इंस्टेंस क्या है, और जो है लॉजिकल स्कीमा क्या है, फिजिकल स्कीमा क्या है, व्यू स्कीमा क्या है, डेटाबेस के कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, जैसे कि रिलेशनल मॉडल, नेटवर्किंग मॉडल, हायरार्किकल मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल को हम बहुत डिटेल्स में जानेंगे कि उसमें जो है आपका टेबल्स वगैरह का नाम कैसे डिफाइन करेंगे, उसके फील्ड्स वगैरह जो है एट्रीब्यूट का नेम कैसे डिफाइन करेंगे, और एंटिटी का एंटिटी के बीच जो है कौन कौन से रिलेशंस होते हैं, कॉन्स्टेंट्स वगैरह कौन कौन से डिफाइन होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है हम इसमें जानेंगे, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि कीज़ कौन कौन से होते हैं डेटाबेस में, जैसे कि प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की, कैंडिडेट की। तो इस तरह के कीज़ के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। तो इसलिए जो है डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इससे रिगार्डिंग मेरे डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग जितने भी वीडियोस होंगे, तो प्लीज़ आप वो सारे वीडियोस को देखें, ताकि आपको एक ब्रॉड जो है डेटाबेस के डिज़ाइनिंग की अंडरस्टैंडिंग आपको मिल सके। तो एज आई टोल्ड यू दैट कि मेरे जो वीडियोस है वो पोस्टेड की जा रही है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना करियर DBA डेवलपर या डेटाबेस की प्रोग्रामिंग में बनाना चाहते हैं। तो मेरे इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि बीच बीच में जो भी वीडियोस मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो ये जो है मेरा वीडियो का डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का जो वीडियो है उसका ये फर्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम जानेंगे कि स्कीमा क्या है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इंस्टेंस क्या है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इंटरव्यूज में स्कीमा और इंस्टेंस आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो में हम स्कीमा देखेंगे, इंस्टेंस देखेंगे, और सब स्कीमा देखेंगे, और टाइप ऑफ सब स्कीमा कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि स्कीमा क्या है। तो स्कीमा क्या है? इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। तो स्कीमा क्या है? डेटाबेस का पूरा एक स्ट्रक्चर है, और उस डेटाबेस के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? बेसिकली टेबल डिफाइन होता है कि कौन कौन से टेबल है, जैसे कि एम्प्लॉय। एम्प्लॉय एक टेबल का नाम हो सकता है, एम्प्लॉय एक फाइल का नाम हो सकता है, एम्प्लॉय एक एंटिटी का नाम हो सकता है। तो यहाँ पे टेबल, फाइल और एंटिटी तीनों नाम एक ही है। तो डेटाबेस के स्ट्रक्चर में टेबल डिफाइन होता है, डेटाबेस के स्ट्रक्चर में फील्ड्स के नेम डिफाइन होते हैं, उसी फील्ड्स के नेम को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। अब जैसे हमने डेटाबेस के स्ट्रक्चर में एक टेबल का नाम दिया एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय क्या हो गया? एक टेबल या एंटिटी या फाइल का नाम हो गया, और उस एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो हम एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, जो हम फील्ड नेम देते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो ये सारे क्या है? उस एम्प्लॉय टेबल के एट्रीब्यूट है, उसी को हम फील्ड्स नेम भी कहते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस में एंटिटी या टेबल का नाम डिफाइन होता है, स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस में फील्ड्स के नाम डिफाइन होते हैं जो टेबल्स के ही होते हैं, और उसके बाद उन एंटिटी या उन टेबल के बीच में आपस में रिलेशनशिप क्या है। जैसे कि एक टेबल का नाम है एम्प्लॉय टेबल और दूसरे टेबल का नाम है डिपार्टमेंट टेबल,
तो एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल आपस में इनका क्या रिलेशनशिप है? एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट से वन टू वन का रिलेशन है, वन टू मैनी का रिलेशन है, मैनी टू वन का रिलेशन है, या फिर मैनी टू मैनी का रिलेशन है? तो डेटाबेस के स्ट्रक्चर में हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं और डेटाबेस के स्ट्रक्चर में हम कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, सेट ऑफ रूल्स जो अप्लाई किए जाते हैं, जो आगे के लेक्चर में हम देखेंगे। तो इस तरीके से अगर स्कीमा को मैं इन शॉर्ट बताऊं तो इसको क्या कहते हैं कि स्कीमा क्या है? एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेबल का नाम डिफाइन होता है, उस टेबल के कितने फील्ड्स हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, वो डिफाइन होते हैं। और उसके बाद अलग-अलग टेबल, जैसे मैंने एम्प्लॉय टेबल बनाया, मैंने डिपार्टमेंट टेबल बनाया, तो जो है एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो स्कीमा में डिफाइन की जाती है। और उसमें जो कॉन्स्टेंट्स वगैरह हमने लगाए हैं कि प्राइमरी की लगाया है, फॉरेन की लगाया है, तो वो डिफाइन किए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्कीमा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है, और जो है इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्कीमा क्या है, तो आप बताओगे कि स्कीमा क्या है? ये डेटाबेस का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेबल का नाम डिफाइन होता है, उस टेबल के जो है फील्ड्स के नेम डिफाइन होते हैं, और टेबल का टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो डिफाइन होते हैं, और टेबल पे कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स अप्लाई किए गए हैं वो डिफाइन होते हैं। तो ये है स्कीमा। उसके बाद हम स्कीमा को ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ये क्या है, डेटाबेस का एक डिजाइन है। तो वी कैन से ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा। ओके, अब जो है स्कीमा जो है कहाँ पे स्टोर होता है? स्कीमा स्टोर होता है डेटा डिक्शनरी में। तो जब मैं आपको जो है एसक्यूएल का मॉड्यूल पढ़ाऊंगा तो उसमें हम देखेंगे कि डेटा डिक्शनरी से जो भी हमने स्कीमा तैयार किया, जो भी हमने स्कीमा बनाया, तो डेटा डिक्शनरी से हम स्कीमा यानी कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर को कैसे देखते हैं, तो सिलेक्ट कमांड लगा करके हम उसको कैसे देखते हैं, तो वो आगे एसक्यूएल के मॉड्यूल में हम देखेंगे। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि स्कीमा जो है इंटरव्यू में पूछा जाता है कि स्कीमा किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर को स्कीमा कहते हैं, और उस डेटाबेस के स्ट्रक्चर में टेबल का नाम डिफाइन होता है, उसमें फील्ड्स के नेम डिफाइन होते हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, और टेबल का टेबल के बीच में यानी कि एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्या है, वन टू वन का है, मैनी टू वन का है, क्या है वो, और प्लस उस पे कॉन्स्टेंट्स डिफाइन होते हैं, और साथ ही साथ जो है स्कीमा डेटा डिक्शनरी में स्टोर की जाती है। तो क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि स्कीमा कहाँ पर स्टोर की जाती है या कहाँ पर स्टोर होती है, तो आप बताओगे कि स्कीमा डेटा डिक्शनरी में स्टोर होती है। तो ये था स्कीमा के बारे में। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इन द बिलो डायग्राम, नीचे जो डायग्राम है कोर्स का जो एक टेबल है, स्टूडेंट का एक टेबल है और सेक्शन का एक टेबल है, तो वी हैव प्रेजेंटेड ए स्कीमा दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन थ्री टेबल्स, कोर्स, स्टूडेंट एंड सेक्शन। तो यहाँ पर कोर्स क्या है? कोर्स एक टेबल का नाम है जिसको एंटिटी बोलते हैं, और उस एंटिटी या टेबल के अंदर कोर्स आईडी क्या है, उसके एट्रीब्यूट का नाम है, उसके फील्ड्स का नाम है, कोर्स नेम क्या है, उस कोर्स के अंदर कोर्स नेम भी एक एट्रीब्यूट का नाम है, और डिपार्टमेंट नेम भी एक एट्रीब्यूट का नाम है। और उसी तरीके से हमने फिर एक दूसरा टेबल या दूसरी एंटिटी ली है जिसका नाम है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट आईडी क्या है, उसका एट्रीब्यूट नेम है, स्टूडेंट नेम क्या है, उसका एट्रीब्यूट नेम है, कोर्स आईडी क्या है, उसका एट्रीब्यूट नेम है, और थर्ड टेबल या थर्ड एंटिटी जो है हमारे पास वो है सेक्शन। तो सेक्शन में स्टूडेंट आईडी वो इसका एट्रीब्यूट है, सेक्शन आईडी वो उसका जो है एट्रीब्यूट है, कोर्स आईडी ये भी सेक्शन का एट्रीब्यूट नेम है। तो इस तरीके से
कोर्स, स्टूडेंट, इस सेक्शन, ये क्या है? ये पूरा एक स्कीमा है, और इस स्कीमा के अंदर हमने कोर्स नाम का एक टेबल जो है डिफाइन किया है, उसके एट्रीब्यूट के नेम डिफाइन किए हैं। दूसरा जो टेबल है वो स्टूडेंट है, और उस स्टूडेंट एंटिटी या टेबल के उसके जो है एट्रीब्यूट नेम डिफाइन किए। तीसरा टेबल जो है वो सेक्शन है, और उसके एट्रीब्यूट नेम डिफाइन किए हैं, और इन सब के बीच में रिलेशन क्या है? तो कोर्स आईडी और स्टूडेंट मतलब कोर्स टेबल के अंदर कोर्स आईडी, स्टूडेंट के अंदर जो है फिर कोर्स आईडी, और सेक्शन के अंदर फिर कोर्स आईडी, इन तीनों कोर्स आईडी को आपस में लिंक कर दिया जाता है। तो इससे क्या है कि ये तीनों टेबल आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि कोर्स जो होगा वो स्टूडेंट को ही इंडिकेट करेगा कि कोर्स कौन पढ़ते हैं, स्टूडेंट ही पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, कोर्स और सेक्शन, इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप बनता है। तो इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप बनता है, इसलिए इन तीनों को एक पर्टिकुलर कोई आईडी से तीनों को लिंक कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने कोर्स आईडी कोर्स में भी है, कोर्स आईडी स्टूडेंट में भी है, और कोर्स आईडी सेक्शन में भी है। तो इन तीनों को आपस में जोड़ करके मैंने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया है। और इसमें कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट इसमें ये होता है कि कोर्स आईडी और कोर्स आईडी, इन तीनों को जब आपस में हम जोड़ेंगे तो ये जुड़ेगा फॉरेन की के थ्रू। तो फॉरेन की को हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आईडी जो है उसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स नए आएंगे वो स्टूडेंट की आईडी जो है ना कभी रिपीट नहीं होगी, वो यूनिक ही होगी। तो स्टूडेंट आईडी क्या है, यहाँ पर हम उसको प्राइमरी की बना सकते हैं। तो इस तरीके से नीचे वाले स्कीमा में हमने एक एंटिटी, तीन एंटिटी डिफाइन किए हैं, तीन टेबल के नाम डिफाइन किए हैं, उसके एट्रीब्यूट्स के नेम हैं, उसके बीच में रिलेशनशिप को मैंने बताया है, और इन पर कॉन्स्टेंट्स प्राइमरी की और फॉरन की के बारे में बताया है। तो इसी को स्कीमा कहते हैं। तो अब देखते हैं कि इंस्टेंस क्या है। तो इंस्टेंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जब आप डीबीए बन करके जाते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि इंस्टेंस क्या है। तो उसी इंस्टेंस को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि इंस्टेंस क्या है। तो द डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस। ठीक है, एक डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर अगर कोई भी डेटा आप इंसर्ट करते हैं, तो जिस समय जो डेटा आप इंसर्ट करते हैं और सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू जब आप इंसर्ट की हुई डेटा को देखते हैं, तो वो जो डेटा आपके सामने आती है उसको उस टाइम का इंस्टेंस बोलते हैं। तो द डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस स्कीमा डिफाइन्स द वेरिएबल डिक्लेरेशंस इन टेबल्स दैट बिलोंग टू ए पर्टिकुलर डेटाबेस। तो डेटाबेस स्कीमा में क्या होता है? टेबल का नाम होता है और टेबल के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो टेबल के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो इसको जब हम टेबल बनाते हैं तो एम्प्लॉय आईडी उसके लिए वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है, ताकि एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू उस वेरिएबल में आकर के स्टोर हो जाए। उसके बाद सैलरी वाले एट्रीब्यूट में उसका भी हम एक न्यूमेरिक वेरिएबल वेरिएबल जो है डिफाइन करते हैं, ताकि सैलरी उसमें स्टोर हो जाए। तो डेटाबेस स्कीमा डिफाइन करता है बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेरेशंस टेबल के अंदर, और वो टेबल जो है पर्टिकुलर डेटाबेस से जाकर के एक बिलोंग करता है। ठीक है, यानी कि एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं, और हर टेबल्स के अंदर बहुत सारे जो है एट्रीब्यूट के नेम होते हैं, और उसी एट्रीब्यूट के नेम को टेबल जब हम क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल से उसको डिक्लेयर करते हैं। तो
द वैल्यू ऑफ दीज वेरिएबल्स एट ए मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द इंस्टेंस ऑफ दैट डेटाबेस। तो स्कीमा ने डिफाइन किया क्या एट्रीब्यूट नेम के लिए उसके वेरिएबल्स, यानी कि जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो एट्रीब्यूट नेम के लिए बहुत सारे वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। जैसे एम्प्लॉय आईडी के लिए एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, सैलरी के लिए दूसरा वेरिएबल डिफाइन करेंगे, एम्प्लॉय के नेम के लिए तीसरा वेरिएबल डिफाइन करेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए चौथा वेरिएबल डिफाइन करेंगे। किस तरीके से जितने भी एट्रीब्यूट्स के नेम होंगे उससे रिगार्डिंग हम वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। तो वो वेरिएबल क्या करता है, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इनके वैल्यूज उस वेरिएबल में स्टोर करके रखता है। तो क्या कह रहा है ये, उस समय में एट ए टाइम ऑफ मोमेंट, उस समय में इन वेरिएबल्स में जो भी वैल्यूज होती है उन्हीं वैल्यूज को हम डेटाबेस का इंस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके अगर इसको समझना है तो आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे मैंने बहुत सारे टेबल्स बनाए, मैंने एम्प्लॉय टेबल बनाया, मैंने डिपार्टमेंट टेबल बनाया, तो एम्प्लॉय टेबल बनाए तो एम्प्लॉय टेबल का मैंने नाम दिया, मतलब टेबल का नाम मैंने एम्प्लॉय दिया। उसके अंदर मैंने एट्रीब्यूट के नेम दिए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय नेम। अब ये तीन एट्रीब्यूट के नाम दिए मैंने, और जब मैं एक टेबल को क्रिएट करूंगा तो टेबल को कैसे क्रिएट करूंगा, तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम एम्प्लॉय, और उसके बाद ब्रैकेट में मैं डाल दूंगा एम्प्लॉय आईडी। और एम्प्लॉय आईडी क्या है, एक नंबर है, कैरेक्टर नहीं है। तो एम्प्लॉय आईडी नंबर और ब्रैकेट में डाल दूंगा 10, तो 10 डिजिट तक वो एम्प्लॉय आईडी उसमें स्टोर करेगा। उसी तरीके से एम्प्लॉय नेम, तो ये क्या है, ये न्यूमेरिक तो हो नहीं सकता, ये कैरेक्टर वैल्यू है। तो एम्प्लॉय नेम कैरेक्टर, और ब्रैकेट में मैंने 10 या 20 जो भी डाल दिया, तो 10 कैरेक्टर तक उसमें जो है एम्प्लॉय नेम स्टोर करेगा। उसके बाद एम्प्लॉय सैलरी न्यूमेरिक है, ब्रैकेट में 10, और इसको बंद करके, ब्रैकेट को बंद करके सेमी कॉलन लगा करके एंटर करेंगे तो एक एम्प्लॉय नाम का टेबल जो है क्या हो गया, क्रिएट हो गया। और उस एम्प्लॉय टेबल में हम डेटा को इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट टेबल का नाम एम्प्लॉय, और उसके बाद वैल्यूज, और वैल्यूज में 101 डालेंगे तो एम्प्लॉय आईडी में 101 चला जाएगा। उसके बाद 1000 8000 डालेंगे तो वो सैलरी में चला जाएगा। और उसके बाद एम्प्लॉय का नेम, तो डबल इन्वर्टेड कोमा में हम अनिल नाम डालेंगे तो एम्प्लॉय नेम में अनिल चला जाएगा। तो इस तरीके से जब हमने इंसर्ट कमांड चला करके एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी में जब हमने वैल्यू डाली, तो वो वैल्यू जिस टाइम हमने डाली, तो वो वैल्यू जब हम सिलेक्ट कमांड चलाएंगे, सिलेक्ट सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम एम्प्लॉय, तो फ्रॉम सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी या एम्प्लॉय, तो वहां आपके सामने क्या दिखाएगा, ये एम्प्लॉय आईडी में कौन सी वैल्यू डाली है आपने, एम्प्लॉय नेम में क्या नाम डाला आपने, एम्प्लॉय की सैलरी में आपने क्या सैलरी डाली है, तो वो आपके सामने दिखाएगा। तो वो जो विजिबल होता है रिकॉर्ड, उसको हम उस टाइम का इंस्टेंस बोलते हैं। और इंस्टेंस जो है ये बदलता भी रहता है, इट गेट्स चेंज्ड फ्रिक्वेंटली व्हेन वी ऐड डिलीट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। और इंस्टेंस चेंज भी होता रहता है, बदलता भी रहता है। कैसे चेंज होता है, कैसे बदलता है, अब एम्प्लॉय नाम का मैंने एक टेबल बनाया, और उस टेबल में एक बार हमने डाला एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय सैलरी और एम्प्लॉय का नेम डाला हमने, और सिलेक्ट कमांड चलाया तो एक बार जो हमने वैल्यू डाली थी वो दिखाएगा कि एम्प्लॉय की आईडी क्या है, एम्प्लॉय की सैलरी क्या है, एम्प्लॉय की वैल्यू क्या है, एम्प्लॉय का नेम क्या है। उसके बाद हमने 2 बार 3 बार 4 बार हमने फिर से एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी को मैंने उसमें इंफॉर्मेशन को इंसर्ट किया, तो इंसर्ट करने के बाद वो एक नया इंस्टेंस कहलाएगा। फिर बाद में मैंने कोई रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, तो डिलीट करने के बाद वो फिर एक नया इंस्टेंस कहलाएगा। फिर बाद में हमने कोई इंसर्ट उसमें ऐड किया है तो फिर वो एक नया इंस्टेंस बनाएगा। तो इस तरीके से जो है इंस्टेंस जो है वो चेंज होता रहता है, जब हम किसी भी टेबल के अंदर रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं
रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं तो वो चेंज होता रहता है। तो यही है इंस्टेंस। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि लेट अस से वी हैव ए सिंगल टेबल स्टूडेंट इन द डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक सिंगल टेबल है और उस टेबल का नाम स्टूडेंट टेबल है। तो टुडे द टेबल हैज 100 रिकॉर्ड्स, सो टुडे द इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस हैज 100 रिकॉर्ड्स। तो आज जो है उस स्टूडेंट टेबल में 100 रिकॉर्ड्स है। तो 100 रिकॉर्ड्स है, तो जब सिलेक्ट स्टेटमेंट चला करके हम अपने रिकॉर्ड को देखते हैं स्टूडेंट टेबल पे, तो 100 रिकॉर्ड्स दिखाता है। तो डेटाबेस का वो 100 रिकॉर्ड वाला इंस्टेंस कहलाता है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ। लेट अस से वी आर गोइंग टू ऐड अनदर 100 रिकॉर्ड्स इन द टेबल बाय टुमारो, सो द इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस टुमारो विल हैव 200 रिकॉर्ड्स इन टेबल। अब कल क्या करता हूँ मैं, उस स्टूडेंट टेबल में जहाँ पर 100 रिकॉर्ड्स ऑलरेडी पड़े हुए थे, मैंने 100 रिकॉर्ड्स और उसके अंदर ऐड कर दिए। और ऐड करने के बाद जब मैंने सिलेक्ट स्टेटमेंट चला करके अपने रिकॉर्ड को देखा, तो अब हमारे पास रिकॉर्ड जो हो गए वो 200 रिकॉर्ड्स हो गए। तो अब 200 रिकॉर्ड्स हो गए, तो इसको 200 रिकॉर्ड्स वाला इंस्टेंस बोलेंगे। यानी कि इंस्टेंस अब चेंज हो गया है, पहले 100 रिकॉर्ड्स का इंस्टेंस था, अब 200 रिकॉर्ड्स का इंस्टेंस हो गया है। आगे चलते हैं। इफ यू साइन इन टू ओरेकल डेटाबेस योर लॉग इन सेशन इज एन इंस्टेंस। अच्छा, इंस्टेंस और क्या होता है, जब आप ओरेकल डेटाबेस में लॉग इन करते हैं यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू, जब डेटाबेस में आप लॉग इन करते हैं, तो लॉग इन करते ही जो है वो एक नया इंस्टेंस, जैसे ही लॉग इन करते हैं तो लॉग इन करने के बाद हम डेटाबेस से कनेक्टेड हो जाते हैं, तो वो भी एक इंस्टेंस ही कहलाता है। और अगर हम उस डेटाबेस से लॉग ऑफ हो जाते हैं, ठीक है, तो लॉग ऑफ होने के बाद वो भी एक इंस्टेंस ही कहलाएगा। और जब आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हो, तो शट डाउन भी जो है, शट डाउन के केस में क्या होता है कि आपका इंस्टेंस जो है वो डिसअपीयर हो जाता है, बट डेटाबेस एंड ऑल योर डेटा रिमेन इंटैक्ट। शट डाउन तो हो जाता है, आपका इंस्टेंस डिसअपीयर तो हो जाता है, बट आपका डेटाबेस और उस डेटाबेस के अंदर जितने भी डेटा है वो उस टाइम उसमें उसी कंडीशन में रहेंगे, तो वो भी डेटाबेस का एक इंस्टेंस ही है। अब देखते हैं कि एन ओरेकल इंस्टेंस कैन एक्सेस ओनली वन डेटाबेस। बिल्कुल जो है, आपका इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि चलो इंस्टेंस क्या है, तो वो आप बता दोगे। फिर पूछेगा कि इंस्टेंस का यूज क्या है, तो वो आप बताओगे कि ओरेकल डेटाबेस के अंदर जो इंस्टेंस होता है, एक इंस्टेंस केवल एक डेटाबेस को चलाने के लिए सपोर्ट करता है एट ए टाइम, एक टाइम में। डेटाबेस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे DB1 डेटाबेस का नाम डाल दिया, Sales1 डेटाबेस का दूसरा नाम है, Production3 डेटाबेस का तीसरा नाम है। तो ये डेटाबेस के तीन नाम है। अब इन तीनों डेटाबेस में हम बहुत सारे उस काम के रिगार्डिंग टेबल्स को डिफाइन करते हैं। तो टेबल को डिफाइन करते हैं, तो एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल होते हैं, तो एक डेटाबेस को चलाने के लिए हमें एक इंस्टेंस की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि इंस्टेंस के अंदर SGA होता है, सिस्टम ग्लोबल एरिया मेमोरी होती है, और उसमें बहुत सारे बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं जो क्या करते हैं, डेटाबेस फाइल की लिंक बना करके और डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, कोई भी काम करने में इंस्टेंस क्या करते हैं, डेटाबेस को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए एक ओरेकल इंस्टेंस एक डेटाबेस को एक्सेस करता है एट ए टाइम, वाइल एन ओरेकल डेटाबेस कैन एक्सेस बाय मल्टीपल इंस्टेंसेस। ठीक है, एक इंस्टेंस एक डेटाबेस को चलाता है,
और एक ओरेकल डेटाबेस जो है, एक डेटाबेस मल्टीपल इंस्टेंस को भी यूज कर सकता है। तो एक इंस्टेंस एक डेटाबेस को तो चलाएगा ही चलाएगा, बट एक डेटाबेस मल्टीपल इंस्टेंस यूज कर सकता है, क्योंकि एक डेटाबेस एक डिपार्टमेंट में जरूरत है तो एक इंस्टेंस से चला देंगे, वही डेटाबेस कहीं और जरूरत है तो दूसरा इंस्टेंस से उस डेटाबेस को कनेक्ट करके वहां पर उसको स्टार्ट कर देंगे, तीसरे जगह पे जरूरत है उस डेटाबेस की तो एक इंस्टेंस और स्टार्ट करके उस डेटाबेस को जोड़ करके तीसरे जगह हम उसको एक्टिव कर देंगे। तो ये है इंस्टेंस के बारे में। तो इन शॉर्ट मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि इंस्टेंस क्या है, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जाता है इसलिए। तो इंस्टेंस अगर पूछा जाता है कि इंस्टेंस क्या है, तो आप इंस्टेंस के बारे में बताएंगे कि जब हम एक टेबल क्रिएट करते हैं और उस डेटाबेस का एक टेबल क्रिएट करते हैं, लेट सपोज एम्प्लॉय टेबल मैंने क्रिएट किया और उस एम्प्लॉय टेबल के अंदर मैंने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी तीन वेरिएबल्स डिफाइन किए, और तीन वेरिएबल डिफाइन करने के बाद हमारा एम्प्लॉय नाम का टेबल तैयार हो गया। और तैयार हो गया तो जब हम पहली बार उसमें एक रिकॉर्ड यानी कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय सैलरी एक रिकॉर्ड उसके अंदर डालते हैं, तो डेटाबेस का वो एक रिकॉर्ड वाला इंस्टेंस कहलाता है। बाद में हमने पांच रिकॉर्ड और इंसर्ट कर दिए एक साथ एक के बाद एक, और फिर सिलेक्ट स्टेटमेंट से जब हम अपने टेबल को देखते हैं तो एक तो पहले ही रिकॉर्ड था और पांच बाद में डालें तो छह रिकॉर्ड हो गया, तो अब छह रिकॉर्ड वाला इंस्टेंस वो कहलाएगा। बाद में मैंने क्या किया, दो रिकॉर्ड मैंने डिलीट कर दिए तो अब चार ही रिकॉर्ड रह गए। तो दो रिकॉर्ड डिलीट करने के बाद फिर सिलेक्ट स्टेटमेंट से जब हम अपने टेबल को देखेंगे तो उसमें चार ही रिकॉर्ड दिखाएगा, तो वो चार रिकॉर्ड वाला इंस्टेंस कहलाता है। तो इसी को इंस्टेंस बोलते हैं। जब हम किसी भी डेटाबेस में लॉग इन करते हैं तो वो भी एक इंस्टेंस होता है, जब हम किसी भी डेटाबेस से लॉग ऑफ करते हैं तो उसमें हमारा डेटाबेस और डेटा जिस पोजीशन में पड़ा हुआ होता है वो भी एक इंस्टेंस ही होता है। और इंस्टेंस का यूज क्या होता है कि एक इंस्टेंस एक डेटाबेस को सपोर्ट करता है, क्योंकि इंस्टेंस के अंदर मेमोरी डिफाइन होती है, उसके अंदर बैकग्राउंड प्रोसेस डिफाइन होते हैं, तो मेमोरी और बैकग्राउंड प्रोसेस इंस्टेंस के अंदर डिफाइन होते हैं, तो ये डेटाबेस को सपोर्ट करते हैं ताकि डेटाबेस में हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो एक इंस्टेंस एक डेटाबेस को डिफाइन करता है, और जो है एक डेटाबेस को मल्टीपल इंस्टेंस भी सपोर्ट कर सकता है। तो ये आप इंस्टेंस के बारे में बताएंगे। अब चलते हैं कि सब स्कीमा क्या है। तो सब स्कीमा क्या होता है, मैं थोड़ा सा जनरली बता देता हूँ कि सब स्कीमा क्या है। तो सब स्कीमा का मतलब ये है कि एक स्कीमा के अंदर बहुत सारे टेबल्स डिफाइन होते हैं, एम्प्लॉय टेबल, डिपार्टमेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल तो नहीं, लोकेशन टेबल, तो बहुत सारे टेबल्स डिफाइन होते हैं। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या उसकी जो टीम है एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे जो है, जब वो कोई इंफॉर्मेशन को देखता है तो पूरी स्कीमा या पूरा जो डेटाबेस है उस पूरी स्कीमा या उस पूरे डेटाबेस का एक स्मॉल पोर्शन ही अपने प्रॉम्प्ट पर देखता है, तो उसी स्मॉल पोर्शन को, पूरे डेटाबेस का एक स्मॉल पोर्शन जो होता है उसी स्मॉल पोर्शन को हम सब स्कीमा बोलते हैं। स्कीमा मतलब पूरा डेटाबेस, और उस पूरे डेटाबेस पे हम पर्टिकुलर कोई एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देखना चाहती हैं या किसी एक टेबल को देखना चाहते हैं तो पूरे इंफॉर्मेशन में एक छोटा सा हिस्सा निकल करके आपके सामने दिखता है, तो उसी को सब स्कीमा कहते हैं। तो देखते हैं, ए पार्शल व्यू ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड सब स्कीमा, यानी कि डेटाबेस का एक पार्शल व्यू। पार्शल व्यू मतलब एक छोटा व्यू, सिर्फ अपने काम की चीज हम देख रहे हैं तो पूरा डेटाबेस तो नहीं देख रहे ना, डेटाबेस में से कुछ ही पोर्शन को तो हम देख रहे हैं ना, तो उसी को सब स्कीमा बोलते हैं। तो ए पार्शल व्यू ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड सब स्कीमा।
इट प्रोवाइड्स डिफरेंट व्यू ऑफ द डेटा टू द यूजर एंड द प्रोग्रामर हु डू नॉट नीड टू नो ऑल द डेटा कंटेंट इन एंटायर डेटाबेस। अब सब स्कीमा में क्या होता है कि डेटा का डिफरेंट डिफरेंट व्यूज लोगों को दिखता है। अब कोई डेटाबेस का यूजर है, एंड यूजर है, वो अपने डिपार्टमेंट में पूरे डेटाबेस का एक जो है अपने काम की इंफॉर्मेशन देखता है, एक प्रोग्रामर है वो अपने काम की इंफॉर्मेशन को देखता है, दूसरे यूजर्स है वो अपने काम के इंफॉर्मेशन को देखते हैं। तो एंड यूजर जो देख रहा है, दूसरे यूजर जो देख रहे हैं, प्रोग्रामर जो देख रहे हैं, जरूरी तो नहीं है कि एक ही इंफॉर्मेशन ये तीनों देख रहे होंगे। ये तीनों अपने अपने एंड पर अपने अपने हिसाब के इंफॉर्मेशन को देख रहे होंगे। तो इसी को कहते हैं कि इट प्रोवाइड्स डिफरेंट व्यूज ऑफ डेटा टू द यूजर एंड द प्रोग्रामर हु डू नॉट नीड टू नो ऑल द डेटा कंटेन इन एंटायर डेटाबेस। तो पूरे डेटाबेस में सारे डेटा को जो है देखने की जरूरत नहीं पड़ती है एक यूजर को, एक एंड यूजर को, एक प्रोग्रामर को, वो केवल अपने काम के इंफॉर्मेशन को ही देखता है। तो ये सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट जो व्यू आ रहे हैं, व्यूज को वो देखता है, उसी को सब स्कीमा कहते हैं। आगे चलते हैं। ए यूजर नीड्स टू एक्सेस सम पोर्शन ऑफ डेटा। पूरे डेटाबेस के अंदर जो है डेटाबेस का एक छोटा पोर्शन एक यूजर को देखने की जरूरत होती है। और उसको वो देखता कैसे है? उसको वो देखता है क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू देखता है। एसक्यूएल क्या है? एक क्वेरी लैंग्वेज है। तो एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट पे हम एसक्यूएल का स्टेटमेंट लिखते हैं और उस एसक्यूएल के स्टेटमेंट से हम अपने रिक्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो इच यूजर सीज द डेटा इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल व्यू। तो जितने भी यूजर है, जो भी डेटा को देख रहा है एसक्यूएल प्रॉम्प्ट के थ्रू, तो उसके सामने डेटाबेस का जो भी एक छोटा सा पोर्शन सामने आता है और उसको देखता है, तो उसी को एक्सटर्नल व्यू भी बोलते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि लॉजिकल व्यू क्या है, कॉन्सेप्चुअल व्यू क्या है, एक्सटर्नल व्यू क्या है। तो एक्सटर्नल व्यू आप वहां भी समझेंगे और यहां पर भी समझ लीजिए कि एक्सटर्नल व्यू क्या है, कि पूरे डेटाबेस का हम एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अपने एसक्यूएल कमांड से चला करके हम देख रहे हैं, अपने रिक्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन को हम देख रहे हैं। तो पूरे डेटाबेस से एक हमारे रिक्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन जो हमारे सामने आ रही है, उसी को एक्सटर्नल व्यू बोलते हैं। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्कीमा कौन कौन से होते हैं। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्कीमा। स्कीमा तीन टाइप्स के होते हैं और इसको थ्री लेवल डेटाबेस आर्किटेक्चर भी कहते हैं। तो तीन टाइप्स के स्कीमा कौन कौन से होते हैं? पहले को इंटरनल और फिजिकल स्कीमा बोलते हैं, दूसरे को कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल स्कीमा बोलते हैं, तीसरे को एक्सटर्नल और यूजर व्यू स्कीमा बोलते हैं। तो जनरली मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि इंटरनल और फिजिकल स्कीमा क्या है। तो पूरा डेटाबेस है ना, कहाँ पे स्टोर होगा, उसके लिए फिजिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से चाहिए, फिजिकल डिवाइसेस कौन कौन से चाहिए। तो फिजिकल कंपोनेंट्स, फिजिकल डिवाइसेस जैसे हार्ड डिस्क वगैरह कितनी चाहिए, ठीक है, प्रोसेसर वगैरह कौन कौन से चाहिए, पूरा का पूरा एक फाइल सिस्टम क्या होगा, कैसे होगा, फोल्डर्स क्या होंगे, फाइल्स क्या होंगे, है ना, इंडेक्सेस वगैरह वो कौन कौन से होंगे। तो इस तरह की जब हम पूरी डिजाइनिंग करते हैं तो उसको इंटरनल और फिजिकल स्कीमा बोलते हैं। कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल स्कीमा क्या है कि जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि जब हम एक स्कीमा डिज़ाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारे टेबल्स डिफाइन करते हैं, टेबल्स के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके रिलेशनशिप को दिखाते हैं, उस पर कॉन्स्टेंट्स अप्लाई करते हैं। तो ये सारी जो डिज़ाइनिंग है इसको लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल स्कीमा डिज़ाइनिंग बोलते हैं। और एक्सटर्नल और यूजर व्यू में क्या होता है कि डेटाबेस या उसकी टीम या एक कंपनी के अंदर जितने भी एंड यूजर्स हैं या डेटाबेस को यूज़ करने वाले जितने भी यूजर्स हैं, सब अपने अपने एंड पे अपने रिक्वायरमेंट वाली इंफॉर्मेशन को
जब वो देखते हैं तो पूरे डेटाबेस का एक स्मॉल पोर्शन उठ करके उसके सामने आता है, उनके सामने आता है, तो उसी को एक्सटर्नल और यूजर व्यू स्कीमा बोलते हैं। तो आइए इसमें समझते हैं कि इसमें क्या कहता है। तो इंटरनल और फिजिकल स्कीमा, दिस इज द लोएस्ट लेवल इन द थ्री लेवल आर्किटेक्चर ऑफ द डेटाबेस। थ्री लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस में इंटरनल और फिजिकल स्कीमा जो है सबसे लोएस्ट स्कीमा है। इट इज ऑल्सो नोन एज द इंटरनल लेवल। इसको इंटरनल लेवल भी कहते हैं। और फिजिकल लेवल या इंटरनल लेवल में डिस्क्राइब क्या होता है कि हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द डेटाबेस, कि डेटा को एक्चुअली डेटाबेस में स्टोर कैसा कैसे करेंगे, कैसे करना है। तो इन द लोएस्ट लेवल दिस डेटा इज स्टोर्ड इन द एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स। तो लोएस्ट लेवल में जो है डेटा को एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स में भी स्टोर करते हैं। इट कैन बी सेड दैट डेटा इज स्टोर्ड इन फाइल्स एंड फोल्डर्स। हाँ, हम कह सकते हैं कि डेटा को फाइल्स के अंदर भी स्टोर किया जाता है, डेटा को फोल्डर के अंदर भी स्टोर किया जाता है, डेटा को एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स के ऊपर भी स्टोर किया जाता है। तो द फिजिकल लेवल ऑल्सो डिस्कसेस कंप्रेशन एंड एनक्रिप्शन टेक्निक्स। तो फाइल का साइज बहुत बड़ा हो गया तो उसको छोटा कैसे करना है, तो उसके लिए कंप्रेशन किया जाता है। एनक्रिप्शन टेक्निक्स वगैरह भी लगाई जाती है कि कोई भी जो है इंफॉर्मेशन को इजीली रीड ना कर पाए, तो उसको एनक्रिप्शन टेक्निक्स बोलते हैं। तो इस तरीके से डेटा को जो है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स पे स्टोर करके रखना है, डेटा को फाइल्स में स्टोर करके रखना है, डेटा को फोल्डर्स में स्टोर करके रखना है, डेटा की कंप्रेशन करनी है, डेटा पर एनक्रिप्शन टेक्निक्स अप्लाई करने हैं। तो ये जितनी भी बातें मैंने बताई है ये सब के सब इंटरनल फिजिकल स्कीमा डिजाइनिंग के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल स्कीमा। तो पिछले स्लाइड्स में मैंने ये बता दिया है कि जब हम एक स्कीमा डिज़ाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारे टेबल्स होते हैं, टेबल के नाम देते हैं, उस टेबल्स में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के नेम होते हैं, टेबल्स का टेबल के साथ या एट्रीब्यूट एंटिटी का एंटिटी के साथ रिलेशनशिप क्या है वो दिखाते हैं, और कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से अप्लाई होगा वो सब डिफाइन करते हैं, तो उसी को कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल स्कीमा बोलते हैं। तो द कॉन्सेप्चुअल लेवल इज एट हायर लेवल देन द फिजिकल लेवल। तो थ्री लेवल डेटाबेस आर्किटेक्चर में जो कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल स्कीमा होता है वो दूसरे नंबर पर आती है। इंटरनल और फिजिकल लेवल स्कीमा से ऊपर कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल स्कीमा आती है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज लॉजिकल लेवल। इसको लॉजिकल लेवल स्कीमा भी बोलते हैं। इट डिस्क्राइब्स हाउ द डेटाबेस अपीयर्स टू द यूजर्स कॉन्सेप्चुअली। तो कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल स्कीमा में सिर्फ ये डिस्क्राइब किया जाता है कि यूजर्स को कॉन्सेप्चुअली पूरा डेटाबेस दिखेगा कैसे, यानी कि पूरे डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। इट फोकसेस ऑन डिस्क्राइबिंग डेटा टाइप्स। तो कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल स्कीमा में हम डिस्क्राइब करते हैं कि डेटा का टाइप्स क्या होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद एंटिटीज कौन कौन से होने चाहिए, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, तो वो सारा डिस्क्राइब हम कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल स्कीमा में करते हैं। द कॉन्सेप्चुअल लेवल डज नॉट केयर फॉर हाउ द डेटा इन द डेटाबेस इज एक्चुअली स्टोर्ड। जब हम कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल स्कीमा की डिजाइनिंग करते हैं तो इंटरनल और फिजिकल स्कीमा के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उस चीज को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते हैं। अब देखते हैं कि एक्सटर्नल और यूजर व्यू स्कीमा क्या है। तो दिस इज द हाईएस्ट लेवल इन द थ्री लेवल आर्किटेक्चर ऑफ द डेटाबेस। तो थ्री लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस में जो एक्सटर्नल और यूजर व्यू स्कीमा है ये हाईएस्ट लेवल का स्कीमा है, और इट इज ऑल्सो क्लोजेस्ट टू द यूजर, और ये यूजर से ज्यादा क्लोज है। क्यों? क्योंकि हर यूजर्स अपने अपने एंड से अपने रिक्वायरमेंट के इंफॉर्मेशन को ये फेच करता है, पूरे डेटाबेस को वो नहीं देखता, पूरे डेटाबेस में से एक स्मॉल पोर्शन को वो देखता है, इसलिए यूजर से ज़्यादा क्लोज है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज व्यू लेवल। इसको व्यू लेवल भी कहते हैं। दी एक्सटर्नल लेवल ओनली शोज द रेलिवेंट डेटाबेस कंटेंट टू द यूजर्स इन द फॉर्म ऑफ व्यूज एंड हाइड्स द रेस्ट ऑफ द डेटा। तो एक्सटर्नल लेवल में क्या होता है कि
यूजर्स को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो पूरी डेटाबेस में से वो रिक्वायरमेंट के हिसाब वाले इंफॉर्मेशन उठ करके उसके सामने व्यू के फॉर्म में आ जाता है। सो डिफरेंट यूजर्स कैन सी द डेटाबेस एज ए डिफरेंट व्यूज एज पर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अलग अलग यूजर्स डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स जो है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन को वो देखता है। तो डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन पूरे डेटाबेस से उठ करके डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के पास विजिबल होता है। तो यहाँ तक जो है हमारा स्कीमा वाला टॉपिक खत्म होता है कि थ्री टाइप्स ऑफ स्कीमा होते हैं। तो ये तीसरा टाइप था, तो ये यहाँ पे फिनिश हो गया। अब जो है थ्री टाइप्स ऑफ स्कीमा को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू तीनों स्कीमा को समझते हैं। तो लेट सपोज यू आर स्टोरिंग स्टूडेंट इंफॉर्मेशन इन स्टूडेंट टेबल। तो एक हमने स्टूडेंट का टेबल लिया और उस स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को हमने फीड किया। तो अब इसमें हम देखेंगे कि फिजिकल स्कीमा क्या है, लॉजिकल स्कीमा क्या है और व्यू स्कीमा क्या है। तो फिजिकल स्कीमा में तो ये होगा कि वो स्टूडेंट नाम का जो टेबल है उस स्टूडेंट नाम के टेबल को हमें किस फिजिकल डिवाइसेस पे स्टोर करके रखना है। उसके बाद उसका स्टोरेज स्ट्रक्चर क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो बाइट्स के फॉर्म में होंगे या गीगाबाइट्स के फॉर्म में होंगे या टेराबाइट के फॉर्म में होंगे या फिर उससे ज़्यादा बाइट के फॉर्म में होंगे, यानी कि मेमोरी स्ट्रक्चर। और प्रोग्रामर्स को फिजिकल लेवल पे प्रोग्रामर्स को जो है ये सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी। आगे चलते हैं, देन कम्स द लॉजिकल लेबल। अब देखते हैं लॉजिकल लेबल। तो लॉजिकल लेबल में जो है रिकॉर्ड्स में जैसे कि हम फील्ड्स डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसके बाद एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं, डेटा डेटा के कौन कौन से टाइप्स होंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, वो सारा लॉजिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि स्कीमा डिज़ाइन जब करते हैं तो टेबल का नाम देते हैं वहाँ पे, उसके एट्रीब्यूट्स का नेम देते हैं, उसमें रिलेशनशिप दिखाते हैं, उसमें कॉन्स्टेंट्स अप्लाई करते हैं। तो लॉजिकल लेवल पे यही सब कुछ होता है। तो प्रोग्रामर्स जनरली वर्क एट दिस लेवल बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ सच थिंग्स अबाउट डेटाबेस सिस्टम। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि जब आप डेटाबेस प्रोग्रामर बन करके जाएंगे तो आपको जो काम करना पड़ेगा वो आपको लॉजिकल लेवल पे ही काम करना पड़ेगा। तो लॉजिकल लेवल में क्या होगा कि पूरा का पूरा एक डेटाबेस स्ट्रक्चर डिफाइन करके आपके सामने रखा जाएगा। कौन स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा? डेटाबेस डिजाइनर और डेटाबेस आर्किटेक्ट इंजीनियर। तो पूरा डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करके आपके सामने रखा जाएगा और आप एक डेटाबेस प्रोग्रामर है तो उस स्ट्रक्चर को समझ करके और जो है कोडिंग के फॉर्म में इंप्लीमेंट करके पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर या एक डेटाबेस का एप्लीकेशन तैयार करेंगे। यही एक प्रोग्रामर का काम होता है। आगे देखते हैं व्यू लेवल। तो व्यू लेवल में क्या होता है कि यूजर कैन एबल टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ GUI एंड एंटर द डिटेल्स ऑन द स्क्रीन। तो व्यू लेवल में क्या होता है कि एंड यूजर्स जो है डेटाबेस के सर्वर से इंटरेक्ट करता है, किससे? SQL प्रॉम्प्ट से भी कर सकता है और वो तो DBA की पूरी टीम उसको यूज करती है। एंड यूजर्स डेटाबेस के एप्लीकेशन से डेटाबेस सर्वर से इंटरेक्ट करता है और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंफॉर्मेशन को यूज करता है और उसको सेव करके रखता है। तो यहाँ पे GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि डेटाबेस को फेच करने के लिए हमारे पास कौन सा GUI है। तो वो SQL भी हो सकता है और वो डेटाबेस एप्लीकेशन भी हो सकता है जिसमें हम एम्प्लॉय ID वगैरह डाल करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं। तो व्यू लेवल पे अगर यूजर्स कोई भी रिक्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन को फेच कर रहा है तो उसका इफेक्ट या उसका इम्पैक्ट जो है फिजिकल लेवल पे और लॉजिकल लेवल पे नहीं पड़ेगा। तो
जो है डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर का, ये मेरा वीडियो लेक्चर 1 था जो यहाँ पर फिनिश हो गया। अब जो है इसका सेकंड वीडियो देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।